इसराइल की सेना ने साबित कर दिया है कि वो एक बार जब प्रण कर लेती है तो वो उसको सिद्ध करने का हर संभव प्रयास करती है। दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक इसराइल की सेना गाजा पट्टी में हमास को लगातार रौंद रही है। हम आपको चार अलग अलग तस्वीरें समय दिखा रहे हैं। हमास ने भले ही दावा किया है कि उसने एंटी टैंक रॉकेट से इसराइल के मरकावा टैंकों को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे गाजा पट्टी से जो ये बताती है कि उत्तरी गाजा में हमास या तो सैकड़ों फीट जमीन के नीचे सुरंगों में छिपा बैठा है या फिर अस्पताल में नागरिकों को ढाल बनाए हैं। इस वजह से अस्पताल को भी ठप करना उसने दुनिया के सामने इसराइल की सेना को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन इसराइली सेना ने बकायदा वीडियो जारी करके दिखा दिया कि उसने तो अस्पताल में बिजली ठप होने से पहले 300 लीटर डीजल अपने सैनिकों की जान जोखिम में डालकर अल शिफा अस्पताल के दरवाजे तक पहुंचा दिया, लेकिन गाजा पट्टी में जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसे हमास चलाता है उसने ईंधन लेने से इनकार कर दिया। और जब अस्पतालों के भीतर मौत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सवाल उठाया, तो इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया कि दुनिया इस समय सच नहीं जानती है। हम आपको जमीनी स्थिति दिखा रहे हैं। इस बीच गाजा पट्टी में इसराइल की सेना का ऑपरेशन बहुत तेजी से जारी है। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि इसराइली सेना ने इस समय बताया है कि कमांडो ब्रिगेड के उसके दो जाबाजों ने गाजा में जंग लड़ते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया इसराइल की रक्षा करते हुए। इन दोनों सैनिकों की मौत के बाद अब ग्राउंड ऑपरेशंस में इसराइली सेना के मरने वालों सिपाहियों का जो आंकड़ा है वो 44 पर पहुंच गया है। इस समय गाजा पट्टी में अर्बन वॉरफेयर जारी है। अर्बन वॉरफेयर यानी शहर में बिल्टअप इलाकों में बिल्डिंगों से अगर हमास के आतंकी प्रहार करते हैं तो इसराइल की वायुसेना, इसराइल के हेलीकॉप्टर, इसराइल के टैंक और इसराइल की जो बख्तरबंद गाड़ियों में सैनिक हैं, वो अलग अलग ऑपरेशन से उनको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की सेना जल्द से जल्द गाजा पट्टी से हमास का सफाया करने में इस समय जुटी है। उसकी अलग अलग जो ब्रिगेड्स हैं वो गाजा पट्टी में अलग अलग इलाकों से मतलब एक मल्टी प्रोंग्ड ऑफेंसिव को अंजाम दे रही है। देखिए जमीनी जंग पर हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। ये मध्य पूर्व की सबसे शक्तिशाली सेना का वार है। गाजा में आतंकी हमास की दो इमारतों को इजरायली सेना ने जोरदार धमाके से उड़ा दिया। 27 अक्टूबर को गाजा पर जमीनी आक्रमण करने के बाद इजरायली सेना हमास लड़ाकों के हमले के बीच गोले दागती, गोलियां बरसाती आगे बढ़ रही है। ये इजरायली सेना की हारिन ब्रिगेड है और जहां ये हमास के ठिकानों को तबाह करती हुई आगे बढ़ रही है वो है गाजा पट्टी का एक्लकरमेन इलाका। इजरायली सेना ने यह वीडियो जारी कर दिखाया है कि उसके सैनिक गाजा में कितनी भीषण जंग लड़ रहे हैं। इजरायली सेना की हारेल ब्रिगेड रिजर्व ब्रिगेड है जो दक्षिणी इजराइल में तैनात थी और अब गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने में जुटी है। इस कार्रवाई के दौरान हारेल ब्रिगेड ने लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर तबाह किया जिससे इजराइल को निशाना बनाया जाता था। एंटी टैंक मिसाइल पोजीशन को उड़ाया जहां से इजरायली टैंक को निशाना बनाया जाता था। हमास की सुरंग निगरानी पोस्ट बर्बाद किए जहां से हमास इजरायली सेना की निगरानी और उन पर हमले कर रहा था। अब गाजा पट्टी के दूसरे इलाके में इजरायली सेना की कार्रवाई देखिए। इस कार्रवाई के दौरान इजरायली सेना ने जमीनी लड़ाई में हमास के 100 आतंकियों को मार डाला, वहीं 30 को अपने कब्जे में ले लिया। गाजा पट्टी को दो हिस्सों में बांट चुकी इजरायली सेना के सामने अब मैदान खुला है। ज्यादातर फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा में शिफ्ट हो चुके हैं और उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों के सिवा अब वो नजर नहीं आता। अब जो भी नजर आता है वो हमास का आतंकी है और इजरायली सेना ये प्रण कर चुकी है कि गाजा से हमास का नामो निशान मिटाकर रहेगी।
आज तक ब्यूरो। और एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, बड़ा दावा इस समय किया है हमास के आतंकवादियों ने, इसराइल और हमास के बीच जो जंग है वो बहुत ही कठिन दौर से समय गुजर रही है। और हमास ने दावा किया है, अल जजीरा न्यूज चैनल को दिए एक बयान में हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि उत्तरी गाजा में 3 नवंबर को इजरायली टैंकों की जो संख्या थी वो 383 थी, यानी 383 इजरायली टैंक गाजा पट्टी में घुसे थे। 8 नवंबर को ये घटकर 295 रह गई है। दावा उसने ये किया है कि अचूक रॉकेट्स का वो इस्तेमाल कर रही है, एंटी टैंक रॉकेट्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल हमास कर रहा है, और 383 जो टैंक्स थे अब केवल 295 रह गए हैं इसराइल की सेना के बाद। हमास ने यह भी दावा किया है कि उसके जो लड़ाके हैं वो इसराइल के मरकावा टैंक्स पर अल यासीन एंटी टैंक रॉकेट से प्रहार कर रहे हैं, और ये जो रॉकेट्स हैं ये इसराइल के टैंकों के लिए एक तरह से उनको पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, उनके लिए मौत बरसा रहे हैं। इस रॉकेट की वजह से ही इसराइल के टैंकों की न केवल संख्या कम हो रही है बल्कि उनका प्रहार कम करते हुए इसराइल की सेना, यह हमास का दावा है कि इसराइल की सेना अपने टैंकों को और पीछे कर रही है और अब केवल एयर ऑफेंसिव यानी विमान से भारी बमबारी हो रही है। अब हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन ने जारी किया है। इस वीडियो में इस्लामिक जिहाद ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने गाजा पट्टी में घुसे इजरायली टैंकों को किस तरह से अल यासीन एंटी टैंक रॉकेट से तबाह किया। इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, ये वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक आदमी है, इसने वर्दी नहीं पहनी है, ये हमास का लड़ाका है, सिविल कपड़ों में है, ये लोग रॉकेट लॉन्चर लेके इसराइल की सेना की ओर तेजी से आगे बढ़ता है, निशाना साधकर रॉकेट दागता है, और इसराइल का जो टैंक है वो देखिए, वो टैंक जो आगे बढ़ रहा है वो तबाह हो जाता है, और अल्लाह अकबर का वो नारा लगाता है, और उसके पीछे जो वीडियो ले रहा है वो भी इसी तरह का नारा लगा रहा है। वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो टैंक है ये पूरी तरह से विफल है इस अल यासीन रॉकेट के आगे। एक बार फिर देखिए इस तस्वीर को, हमास के लड़ाकों को गौर से देखा आपने, कोई वर्दी नहीं पहनी है, अगर ये मारे भी जाए तो लोग ये बोलेंगे सिविलियन मारे गए हैं। खैर, आपने इजरायली सेना के खिलाफ जारी हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हर वीडियो में इस बात पर गौर भी किया होगा, इसराइल पर हमला करने वाले ये सारे आतंकी वर्दी नहीं पहने हैं। वैसे हमास का जब प्रोपेगेंडा वीडियो आता है तो उसमें लोग कैमोफ्लॉज फैटिग्स पहने रहते हैं, बकायदा वर्दी और मास्क लगाए रहते हैं, लेकिन इस समय सादे कपड़ों में है जैसे कोई आम नागरिक हो। हमास के पास एक यूनिफॉर्म भी है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। जब इजरायली सेना इन लड़ाकों को मारती है तो हमास और हमास के समर्थक, चाहे वो लंदन में बैठे हों या अमरीका में, वो शोर मचाते हैं कि इसराइल ने बेकसूर नागरिकों को मार दिया। लेकिन यही दोहरा चरित्र इसराइल की सेना बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। इसराइल की सेना ने बकायदा एक वीडियो जारी करके और एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोदिंग, भेड़िया है मेमने के कपड़ों में। Who's going to tell Hamas that a terrorist in a civilian clothes is still a terrorist? कौन बताएगा हमास के इन आतंकवादियों को कि अगर आतंकी सिविल कपड़े भी पहने वो फिर भी एक आतंकवादी ही रहेगा। और इसी दोहरे चेहरे को बेनकाब करने के लिए इसराइल की सेना ने बकायदा वीडियो जारी भी किया। उसने कहा कि ये वीडियो हमास के लड़ाकों के कैमरे से ही बने हैं। हम आपको एक और एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर भी दिखाएंगे। टी शर्ट, आपने वो तस्वीर देखी थी, टी शर्ट पहना था, जीन्स पहना था, टेनिस शूज पहना था, यानी अगर उसके हाथ में वो रॉकेट लॉन्चर ना हो तो लगेगा वो सिविलियन है। ये देखिए, एक आम नागरिक क्यों हो सकता है, लेकिन ये आम नागरिक बेहद खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसके हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर है। अब सवाल यही कि हमास नागरिकों के कपड़े में जंग क्यों लड़ रहा है, उनके पास वर्दी है, लेकिन ये एक रणनीतिक चाल है। इजरायली सेना नागरिकों को सुरक्षित रास्ते से अपनी जान बचाकर एक सेफ पैसेज दे रही है,
लेकिन हमास दुनिया को गुमराह कर रहा है कि इजरायली नागरिक को इजराइल की सेना नागरिकों को निशाना बना रही है। हमास के नियंत्रण वाली हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है जो आतंकवादियों के मरने के बाद उन्हें नागरिक होने का सर्टिफिकेट दे देती है, जबकि सच ये है कि हमास नागरिकों की आड़ में खुद को बचाता है और नागरिकों को मरवाता है। यही हमास के प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। हमास और उसके समर्थक गाजा पट्टी में अस्पतालों पर इजरायली हमले और ईंधन की कमी से बिजली गुल होने की और इससे बड़ी संख्या में बच्चों की मौत को लेकर विरोध दर्ज करा रही है। गाजा में हमास संचालित हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि बिजली चले जाने की वजह से अल शिफा अस्पताल में जो इंक्यूबेटर में रखे शिशु थे उनमें से 9 ने दम तोड़ दिया। वहीं डॉक्टरों ने अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से मरीजों का ऑपरेशन किया। इस खबर पर अमेरिका ने भी चिंता जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल को अस्पतालों को लड़ाई से दूर रखना चाहिए, लेकिन इजराइल बार बार यही प्रश्न पूछ रहा है कि दोष हमास को क्यों नहीं दिया जा रहा जो अस्पतालों को आड़ बनाकर, जनता को आड़ बनाकर युद्ध लड़ रहा है। हमास के आरोप का जवाब देने के लिए इजराइल की सेना ने एक और वीडियो जारी किया। हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। इस वीडियो में इजराइल की सेना ने यह दिखाया कि कैसे उसके जवान डीजल के कैन लेकर आनन फानन में, ये देखिए, ये इजराइल की सेना ने वीडियो जारी किया है कि उसके जवान डीजल के कैन लेकर अल शिफा अस्पताल के पास जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर 300 लीटर डीजल अल शिफा अस्पताल पहुंचाया, सुरक्षित दूरी पर रखा और अपने इलाके में लौट आए। इस डीजल से जनरेटर को चलाया जा सकता था, अस्पताल ठप नहीं होता। लेकिन इजराइल की सेना का दावा यह है कि हमास ने अस्पताल को डीजल ले जाने से रोक दिया। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय हमास चलाता है। इजरायली सेना ने सवाल यह किया है कि कई हफ्तों से यह जो कहा जा रहा था कि ईंधन की कमी है, जब ईंधन पहुंचना शुरू हुआ तो फिर उसे लेने से इनकार क्यों किया गया। और इस बीच अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें यह डॉक्टर कह रही है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल पर कब्जा जमा लिया है और जो कुछ भी ईंधन बचा है, जो दवा बची है, जो खाना है, वो सब कुछ हमास के लोग ले जा रहे हैं। डॉक्टर ने जब यह वीडियो रिकॉर्ड किया तब पीछे से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुनिए क्या कहना है अल शिफा अस्पताल की इस महिला डॉक्टर का। ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि ये जो बकायदा प्रोपेगेंडा बार बार हो रहा है कि डीजल खत्म हो गया है, ईंधन नहीं है। इजराइल की सेना ने पहले तो ये दावा किया था कि कई हजार लीटर जो डीजल है, कई गैलन डीजल, वो बेसमेंट में छिपा रखा है हमास ने, लेकिन उसके बावजूद 300 लीटर उन्होंने पहुंचाया, लेकिन ये अभी तक हमास ने ले जाने नहीं दिया है। इस बीच इजराइल ने गाजा के अस्पतालों से मरीजों को सुरक्षित निकालने के लिए एक और कॉरिडोर बना दिया है। अब लोग दक्षिण गाजा जा सकते हैं, वहां अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन इजराइल का दावा यह है कि हमास लोगों को सुरक्षित निकलने ही नहीं दे रहा है। हम आपको एक मानचित्र के जरिए इस पूरे क्षेत्र को समझाने का भी प्रयास करते हैं। इजराइल ने बहुत पहले ही इन अस्पतालों को खाली करने की चेतावनी दे दी थी। अब 4 अस्पतालों को इजराइल की सेना ने घेर लिया है। और ध्यान से देखिएगा किन किन अस्पतालों को घेरा है इजराइल ने। अल शिफा अस्पताल गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजराइल का दावा यह है कि इसी अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में ही कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है हमास का। जैसे जमीन पर लड़ाई चल रही है, वैसे ही आपके मस्तिष्क के लिए भी लड़ाई चल रही है, माइंड स्पेस को कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और 21वीं सदी में केवल जमीन पर ही नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपोगंडा वॉर बहुत जरूरी है। हमास अलग लड़ रहा है, इजराइल अलग लड़ रहा है, और इसीलिए आज तक पर हम आपको हर खबर, हर पहलू, हर खबर का दिखा रहे हैं ताकि निर्णय आप खुद करें क्या सही क्या गलत। हमास के चलते इस समय अस्पताल कई ठप पड़े हैं गाजा पट्टी में। गाजा के अस्पतालों को दुष्प्रचार का ठिकाना बनाने के अलावा हमास और किस तरह से इनका गलत इस्तेमाल कर रहा है, यह भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे अल शिफा अस्पताल की।
इसराइल की सेना के मुताबिक ये जो अलशिफा अस्पताल है ये हमास का हेडक्वार्टर्स है, इसकी जो इसका जो बेसमेंट है, सुरंगों का जो पूरा मकड़जाल है वो इसी के नीचे से होकर गुजरता भी है। यही नहीं, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये भी है कि यहां पर हमास के नेताओं के दफ्तर भी हैं, उनके लड़ाकों के रहने के बैरिक्स भी हैं। अच्छा, जो दूसरा बड़ा अस्पताल है अल रंतीसी अस्पताल, हमास के 1000 लोगों को यहां पर उन्होंने ढाल के रूप में रोक रखा है। यानी जो 1000 लोग न केवल उस अस्पताल में हैं बल्कि उनके रिश्तेदार जो आसपास हैं, अगर वो सुरक्षित दक्षिण में जाना भी चाहते हैं उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। फिर अल नसर अस्पताल, हमास के वो लड़ाके यहां छिपे हैं जो इसराइल की सेना का सामना करने से या डर गए हैं या घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज की आवश्यकता है, तो उन्हें यहां आरएनआर यानी रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन के लिए लाया गया है। आप यह भी नजर में रखिएगा कि जो एश्कलोन में इसराइल की सेना और इसराइल के नागरिकों के अस्पताल हैं उन्हें बार बार हमास के रॉकेट से निशाना बनाया भी जा रहा है। चौथा अस्पताल अल कुद्स अस्पताल, ये अल कुद्स अस्पताल भी हमास का कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी बैकअप, एक अल शिफा दूसरा अल कुद्स। अगर इसराइल इन्हें खाली कराने का अभियान चलाता है तो यहां फंसे लोगों की अगर इसमें मृत्यु होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इन सब के बावजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच नागरिकों की मौत को लेकर एक जुबानी जंग छिड़ गई है।